हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो है हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की तरफ से। जैसा कि आपको पता भी होगा कि आज ही हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के द्वारा 3 रिजल्ट अपडेट किए गए हैं, ठीक है। इनमें से 2 की मैं पहले से आपको वीडियो दे चुकी हूँ और 2 रिज़ल्ट और हैं, 3 नहीं 4 रिज़ल्ट आज हुए हैं और कैटेगरी नंबर अलग अलग रहा है। मैंने मेंशन किया हुआ है हर कैटेगरी नंबर को। एडवर्टाइजमेंट नंबर सेम है लेकिन पोस्ट वाइज भी अलग अलग हैं। तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। आफ्टर दैट जस्ट क्लिक द रिजल्ट सेक्शन। जैसे ही रिजल्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे, जस्ट स्क्रॉल डाउन हियर एंड आपको यहाँ पे देखना है कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइन मैन, ठीक है, DHBBNL। ये हम कर चुके हैं। कैटेगरी नंबर 16 का अभी रहता है, कैटेगरी नंबर 13 रहता है, कैटेगरी नंबर 14 का हो चुका है, कैटेगरी नंबर 4 का हो चुका है। आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लूँगी कैटेगरी नंबर 16 का, हमारा वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पर कैटेगरी नंबर 13 पे जाना चाहूँगी और यहाँ से क्या रिजल्ट अपडेट हुआ है वो देखेंगे। लोअर डिवीज़न कलर का रिजल्ट है, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको जस्ट डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं करना है। मैं क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास ये PDF आएगा। PDF फॉर्म में इन्होंने रिजल्ट डाला है, तो देखिए रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड नोटिस टू कैंडिडेट द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन कलर फील्ड कैडरे ऑफ HVPNL हरियाणा अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2009 एंड दिस इज द कैटेगरी नंबर 13। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है 40 पोस्ट, ठीक है। ये कैटेगरी नंबर 13 का रिजल्ट है। यहाँ पे आपका पेपर हुआ था 29 फरवरी को, आपका CBT हुआ था, उसका रिजल्ट है। तो आप यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर या इसमें आया हुआ है, ठीक है। 2 पेज नंबर का PDF है और यहाँ पर जो नोट लिखा है उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर से ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपका ये 27 को आपको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट्स के साथ 9 बजे सुबह ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में, और आपको यहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक सेट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सभी कॉपी, सभी डॉक्यूमेंट्स, एक ID प्रूफ होना चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए आपकी डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर नहीं पहुँच पाते इंटरव्यू डेट पर तो इसका मतलब आपके कोई अपॉर्चुनिटी आगे नहीं मिलेगी कि आपका आगे से इंटरव्यू रखा जाएगा। और ये जो रिज़ल्ट है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आज ही ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, आप देख सकते हैं 21 फरवरी को आज ही के दिन ये डिक्लेयर हुआ। तो ऐसे आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं एंड आई विल गिव यू द ऑफिशियल वेबसाइट लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। मैं आपको वीडियो में यहाँ का लिंक दे दूँगी जिससे कि आप PDF से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।